देखिए बड़ा दुख और खेद है हमें इस बात का, अब तक 60 लोग इस नशे के कारण अपनी जान गंवा बैठे, और उससे भी बड़ी तकलीफ इस बात की है कि इन बच्चों ने, नौजवान थी, औसतन हर रोज लगभग 2 मौतें जब से ये सरकार बनी है नशे से हो, पर इन लोगों ने नशा ज्यादातर 90% लोगों ने गांव से ही नशा खरीदा। इसका मतलब नशा घर घर तक पहुंच गया है, गांव से ही नशा मिल जाता है, जैसे सब्जी मिलती है, शायद सब्जी गांव में ना मिले पर नशा गांव में मिल रहा है। और भगवंत मान जी की सारी फोर्स जो है वो कभी बग्गा को, कभी अलका लांबा को, या कभी जिंदल को, या कभी प्रीति गांधी को पकड़ने पे लगी है, कभी कुमार विश्वास, ये बात ठीक नहीं है। पंजाब के लोगों ने जो सत्ता दी थी वो इसलिए दी थी कि पंजाब को इंसाफ मिल सके, इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूँ भगवंत मान जी, इस नशे को आप खत्म करें, इसकी शपथ लेके आप ही आए हैं, और आप केजरीवाल के चक्कर कम काटें और नशेड़ियों के पीछे, जो नशा तस्कर है माफ करना, उनके पीछे लगकर आप इसको रोकने की कोशिश करें, वरना पंजाब तबाही की तरफ जा रहा है।